हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नजम खान है, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल के लिए। तो मैंने पहले सोचा कि मैं वीडियो कहाँ से स्टार्ट करूँ, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करूँ। तो अपने ही रूम में बैठ के मैं सबसे पहले वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप पहले मेरा रूम देख लीजिए, ये मेरा रूम है जहाँ मैं रहता हूँ, सोता हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ। गुड। तो आज का दिन है फ्राइडे, तो मेरा पहला वीडियो फ्राइडे से मैं शुरू कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस जो आज से शुरू हुआ है वो ये है, क्योंकि मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसके छोटे भाई की शादी है, तो वो कल है। तो आज ही के दिन शायद उनके यहाँ मेहंदी का प्रोग्राम या छोटा मोटा कुछ प्रोग्राम है, तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो कुछ कंटेंट बहुत सारे मिलने वाले हैं जो मैं सब रिकॉर्ड करूंगा और अपनी वीडियोस में डालूंगा मैं आपके लिए। तो स्टे ट्यून विद मी। हेलो गाइस, सुबह के 9 बज चुके हैं, मैं अभी सो के उठा हूँ। लेट थोड़ा इसलिए उठा था क्योंकि मुझे ड्राइव करना है कम से कम 200 किलोमीटर का, कायमगंज जाना है शादी में, बारात में। तो सोच रहा हूँ पहले नहा लूँ, देन उसके बाद चेंज करते हैं। लेकिन अभी थोड़ी गाड़ी भी साफ़ करनी है, गाड़ी भी गंदी हो रही है क्योंकि मैं अपनी ही गाड़ी से जाऊंगा बारात में। आज बहुत मज़ा आने वाला है, तो अभी थोड़ा नहा के फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। चलते हैं अपनी गाड़ी साफ करने। तो गाइस, ये मेरी गाड़ी है सियाज, थोड़ी सी गंदी है अभी, जिसको हम साफ करने आए हैं। देखो आप इसको, तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं उसके बाद। तो गाइस, मैं ऑलमोस्ट तैयार हो चुका हूँ शादी में जाने के लिए और बहुत सारे मजे करने के लिए। थोड़ा सा डीओ भी लगाते हैं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। बहुत मजे आने वाले हैं और शायद सारे दोस्त भी तैयार हो चुके हैं, तो मैंने सोचा चलने से पहले और एक वीडियो शूट कर लेते हैं हल्का। थोड़ा सा कैसा लग रहा हूँ मैं, वो बच्चा ही लग रहा हूँगा। ये नया आउटफिट है, मैं कभी इससे पहले शादी में कुर्ता पजामा और ये वेस्ट डाल के नहीं गया, लेकिन फर्स्ट टाइम में जा रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आपको, ठीक है? चलो भैया। तो गाइस, अदनान भी आ चुका है हमारे साथ, तो हम जा रहे हैं अब ताबिश के घर पर। चलो तैयार होके आ गए, चश्मे लगाए भैया लड़के ने, बहुत ही ड्रास्टिक चश्मा लगाया है। देख रहे हो, बाल थोड़े कम हो गए इसके, कोई फैशन है आज का, लेकिन फैशन चल रहा है इसका। बाल तो बिना बाल बाल तो चल रही है, बाल तो मेरे भी कम हो रहे हैं आज का, बिना बाल वाला भी वो चल रही है। सही है, ये भी एक बढ़िया स्टाइल है। कैसे आएंगे सर भाई? ये लोग आ रहे हैं, गुलजार और ये आएंगे दोनों। आगे गर्मी साथ हम लोग फिलहाल पैदल ही पैदल चल रहे हैं। गर्मी बहुत है यार आज, गर्मी तो। तो ये आ चुके हैं हम ताबिश के घर पर। ये रहा हमारे ताबिश का घर। लाइट तो उधर गई क्या? नहीं, लाइट तो चल रही है। और आवाज लगाओ इसे। ताबिश कहाँ भी बारात चली गई क्या? कैसी लग रहा, बारात चली गई? हम ही सबसे पहले आए, वहीं निकल जा रहे हैं। हम ही सबसे पहले आए क्या? हमारे तो शोरों निकल जा रहे हैं। ताबिश कहाँ है बारात, कहाँ जा रही है? ये गलत बात है, 10:30 का टाइम दिया तुमने। काले कपड़े दोबारा प्रेस करवा लूंगा। ये देखो, ये देखो, ये दूल्हे का भाई ये टी शर्ट में फिर रहा है और हमें तैयार करके उसने बुला दिया। गाड़ी गाड़ी का चाड़ा लेंगे हम लोग, उठाए आगे देखिए। सो के उठे जा रहे हाँ भाई, ये देखिए, ये दूल्हे के भाई है। हाँ, रूट चुके हम जा रहे हैं। हाँ, रूट चुके। ये तो बस एंट्री ले रहे हैं दूल्हे भाई के सामने। फिलहाल हम ताबिश के घर से लौट के आ गए सब लोग, क्योंकि हमें आना ही पड़ा, सब सो रहे थे वहाँ पर जैसे कि हम वहाँ पहुँचे थे।
तो बाकी सारे दोस्त भी मेरे घर पे आ गए, ये लोग बैठे हुए हैं, फिलहाल सब टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ खड़े होते हैं तो ये शायद पसीने पसीने हो जाते, क्योंकि आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हमें ही आना पड़ा लौट कर। तो बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चलेंगे, कब आएंगे। क्या मुझे भाई, तो हमारे साथ मुगीस और नसीम भी आ चुके हैं, तो अब फुल ऑन हो चुका है माहौल, मज़ा आने वाला है, बहुत कर रहा। आइए साहब आइए, चलो चलो भैया चलो, लड़के बहुत ही कमी हो रहे हैं, लड़के हैं। हाँ वो टूट गया, उसने अलमारी गिर गई थी। रुको रुको आ रहे हैं, इनको आ जाने दो, सबको आ जाने दो, सब लोगों को आ जाने दो ना। आ जाओ जा रहे हैं हम तारिश घर में, दावा बोला लगता है, बोला ना ये गुरु है, बोला है ये पढ़ी गुरु है, बात बस हो चुकी है मेरे दोस्तों, देखना ये होना क्या है, कितना खराबी बना ठीक है। अरे आ जाओ अंदर आ जाओ, ओके है क्या, कितना खराबी बना बनेगा, गलत नहीं गलत नहीं ना, खराबी ये कहीं दिखाई जाएगी, शुरुआत हो चुकी है, तुम सब लोग आओ, इस तरह से हम लोग चल रहे हैं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अब शुरुआत हो चुकी है कायमगंज जाने के लिए, फुल फुल ऑन मस्ती एंटरटेनमेंट के साथ, अपने दोस्त के भाई की शादी कायमगंज, दोस्त की शादी भी कायमगंज से हुई है और उनके भाई की शादी कायमगंज, मेरे डैडी की शादी कायमगंज से हुई, लेकिन कुछ दिन बाद नहीं, उस बारात में हम जा नहीं सके थे क्योंकि हम थे नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, तैयार तो हम सुबह 9 बजे से करवा दिया है सड़के ने, लेकिन पता नहीं अब पसीनों में पूरी प्रेस कहीं बिगड़ गई, इसे दोबारा मुझे लगता है दोबारा चीजें प्रेस करवानी पड़ेगी हम लोगों को। क्यों स्पीकर लेके आए हो तुम, मत करनी चीज ले लिए, अल्लाह रहम करे क्या होने वाला, और दादा किसी के दर्दों के लाके हम लोग के लोग हमारे साथ सिर्फ काम वाले बैठे होंगे, अब तो शरीफ आदमी के ऊपर सवाल ही नहीं है, नहीं निकालो। तो जिस तरह से शुरुआत हुई है अच्छी शुरुआत मानी जा रही है ये, और सभी तरफ हजरात 10 बजे से तैयार हम लोग हैं यहाँ पे, ताविश के भाई को पकड़ लिया हमने, एक बच चुका है अभी का कुछ पता नहीं है, ताविश भाई को पकड़ लिया, ताविश भाई आलम भाई को भी नहीं पता कि जाना कब है, ये खुद श्योर नहीं है। और एक बार तीसरा चक्कर हम फिर से लगाते हुए अभी तक बारात नहीं जा पाई हमारी, फिर से कोशिश है बारात जाने की, कायम एक कोशिश हुआ डीजे डीजे कायम फाइनली हम लोग निकल रहे हैं अब शादी के लिए, गाड़ी मेरी खड़ी हुई है, ये है मेरी गाड़ी सियाज, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में, हाँ बोल दी चलो, अब गाड़ी में हम लोग व्लॉगिंग करेंगे देखो। तो फाइनली निकलने के लिए तैयारी हो चुकी है हमारी, अभी मैं और अदनानी बैठे हैं गाड़ी में, पता नहीं किसके साथ, कॉल मिलाओ ना उनको, गुलजार भाई को करो, गुलजार भाई को करो, नंबर आज ही कुछ चीज गिर गई यार मेरी, क्या गिरी यार, चाबी नीचे गिर गई, शिकार की तब अभी पर मिनट जाए, ये मेरे ख्याल से बाइक खड़ी करने गए आगे दोनों, आ गए अभी ये लोग पीछे आ रहे हैं, आए रे आए रे आए रे, आना ही पड़ेगा यार, अब तो बहुत लेट हो गए हम लोग, ऑलमोस्ट 2:22 हो चुके हैं भाई गाइस। तो हम लोग चल दिए अब कायमगंज के लिए, गाड़ी हमसे आगे जा रही है लेकिन अभी तक वो निकल रही है, उनकी गाड़ी, हाँ उनकी गाड़ी कहाँ है, लाल वाली सबसे पहले गई थी, सबसे पीछे आएगी वो, क्योंकि सबसे पहले गहरी खड़ी कर ली थी, सबसे पहले हाँ वहाँ खड़ी कर रखी थी, क्योंकि हमें साथ ही चलना पड़ेगा, लोकेशन सेंड कर दो ना सब सारी। तो
अब हम बाईपास पे आ गए हैं, सीधा रोड है, अब चलना है हमें सीधे। शायद हमें लग रहा है गाड़ी में हवा कम है, चारों लोग मौजूद हैं, माहौल थोड़ा गर्म है अभी भी। पहुंचने का टाइम एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से शाम में 6 बजे तक ही पहुंच पाएंगे। 6:30 बजे 6:30 है, 6:30 बजे रुकेंगे ना बीच में आ जाएंगे। हाँ यार वही तो देखिए, रोड में थोड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा अभी। हाँ ट्रैफिक का टाइम भी है, ट्रैफिक का टाइम भी है, ट्रैफिक भी मिलेगा। मसला तो यही है ना, जल्दी सुबह निकलते 11:30-11 बजे तक, 12:30-12 निकल जाते ना, तो ड्राइविंग के लिए थोड़ा रेस्ट भी हो जाता। टू वे ड्राइविंग सेम डे में जो होती है 12:30 तक निकल जाते ना, तो वो बढ़िया रहता, 3:30-4 बजे तक पहुँच जाते। गुलजार भाई तो सुन पड़े हुए, उनका तो माहौल खराब हो चुका है। मैं तो सुन रहा भाई, ये देख लेके आ रही है एकदम स्मूथ रोड है, ये देखो ये ड्राइव कर रहे हैं, उल्टी गाड़ी लेके आ रहा है रोड पे, सिंगल रोड पे सारी माशाल्लाह, बहुत ही शानदार रोड है। अब हम अलीगढ़ के आउटर में आए हैं, अब हम आ चुके हैं रिलायंस के पेट्रोल पंप पर, डीजल डलवाना है हमें अपनी गाड़ी के अंदर। स्टेशन कोई हमें कॉल कर रहा है, आई थिंक पीछे से कॉल आ रही है। अब उधर भाई के बच्चे हैं ये दोनों फॉरेनर से जो लग रहे हैं, देखो उधर भाई बेटा और बेटी। हाँ दूसरा वाला चश्मे वाला, चश्मे वाला भाई का है, वाला भाई का ताविश का। ये देखिए बॉडीगार्ड हमारा खेलता हुआ, बॉडीगार्ड ये देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए बॉडीगार्ड, चेक 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 चेक, गाड़ी आ चुकी है पूरी, सारी गाड़ियां चेक कर लो। ए अभी फिलहाल हम लोग बाईपास पे खड़े हुए हैं, खुद पता नहीं है जाना किधर है, कायमगंज कब आएगा ये भी नहीं पता। तुम्हारा भाई गाड़ी में रुको, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, पता नहीं कहां पे, हमें कुछ नहीं पता कहां पे, आगे जाके दूल्हे रहने लोकेशन मंगवाली, लोकेशन मंगवाली थी लेकिन लोकेशन ऊपर से भी है ना, पता पूरा आ रहा है लेकिन कायम करके कब पहुंचेंगे ये हमें किसी को भी नहीं पता। आपको पता चौथी बार जा रहे हैं हम, चौथी बार है लेकिन हम तो सिर्फ दो ही बार जा पाए। अब हम मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेट अल्टीमेट पब्लिक ने खाना खाया, नाश्ता करा, कुछ नाश्ता नहीं करा, 9 बजे बुला लेती है, इन पे विश्वास न किया, फिर अपनी प्लेटें उतरवाते नीचे लाके, हमें भिजवाते गंदी प्लेटें। चलो चलो चलो, तो हम पहुंच चुके हैं अपना रेस्टोरेंट ढाबा पर, शायद यहाँ कुछ मिल जाए हम लोगों को खाने के लिए, तो क्या भी नहीं कर रहे। हाँ तो कोई नहीं, हम थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे, ऐसा कुछ ले लो, एक ले लो, थोड़ा बहुत साथ में की नहीं है। हाँ क्योंकि अभी कितनी देर लगेगी, 1 घंटे 5 हो रहे हैं, 1 घंटे 5 हो गए, 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। हाँ वही आ रहा है, तो बता कुछ खाना है या फिर वो ले लो, मेरे हिसाब से तो पता क्या 40-20 रुपये बचा, चाहो तो हाँ ये देखो, ये वाला सही है, पकौड़े हम लोग खा सकते हैं, उसमें हम लोग काम हो जाएगा हमारा। गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है हमारी, देखो ये अपनी सियाज है, बहुत गंदी हो गई है, लेकिन कोई नहीं दो दुलवाएंगे इसे, टाइम वैल्यू में आ रही है तो बिल्कुल मिलेगी। तो भैया आ चुकी है अपने पास अपना ढाबा पर, पकौड़ियाँ मज़ेदार लग रही है, देखने में तो अच्छी लग रही है, खाने में देखो कैसी होगी। अपने ढाबा की पकौड़ियाँ हाँ खानी है, अंदान खा लो, पकौड़ियाँ तो अच्छी लग रही है देखने में, देखने में सही है। हाँ भाई यार ये तो बहुत टेस्टी है, कौन सा भाई तुम्हें क्या लग रही है अच्छी है।
फाइनली 4.5 घंटे के ट्रेवल के बाद हम लोग पहुंचे। 4.5 घंटे का इंतजार किया। इसका इसका नाम क्या, मैरिज हॉल का नाम क्या है? एमके गार्डन। एमके गार्डन सारे लोग सुबह बहुत ही अच्छे तरीके से वेल फ्रेश कपड़े पहन के आए थे। 4.5 घंटे हमने जो बीच सारे लोग टायर्ड हो चुके हैं। ये देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रॉपर मेरे ख्याल से शायद लग रहा हो। जरूरत से ज्यादा थक चुके हैं। वकील साहब जी सर, अरे चले जाएंगे आप क्या कुछ रोशनी डालेंगे? ट्रैवल को भी रोशनी डालेंगे। अच्छा सफर रहा हम लोगों का, मजा आया, बहुत एंजॉय किया। हमारा भी अच्छा रहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस ये था थोड़ा सा पानी की कमी थी। केले रखे थे, केले अभी भी हमने आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ली थी। केले भी ले रखे, केले ले लिए हमने। अरेंजमेंट में थोड़ी दिक्कत थी, जिसके हाथ में कुछ नहीं है ना, उसकी वजह से हुआ। दूल्हे के भाई ने हमारा थोड़ा साथ धोखा दिया, दूल्हे के भाई ने शोषण किया। हम उसको दिखाना चाह रहे हैं आपको, कौन कौन है ये है, ये ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन वाले चश्मा जो लगाया हुआ, ये चश्मा जो ये वाले। हम आपको निपटा देंगे, सुबह माइक लेके आओ, माइक। अरे हमारी तैयारी है बिल्कुल, आप फटाफट निपटाएंगे, आइए। हाँ दूल्हा पहुंच गया भैया अपनी जगह, लेकिन दूल्हे लड़के कम हो गए इसके। हैदर बैठा, शमशेर बैठा, हाँ आइंस्टाइन बैठा हुआ, ये सही है। अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है इन लोगों ने, स्टेज अच्छा लग रहा है। क्या कर रही हो? बढ़िया अरेंजमेंट है, आप लोग अरेंजमेंट देखो भैया, लाइटिंग अच्छी है। दूल्हे के दोस्तों को सेवा मिल रही है स्टेज पे, सही है। पानी पी रहे हैं ये खाली, एक जमाना हमारा भी था, हम भी जब कायमगंज जाए थे तो हमने भी स्टेज भी गाया था अभी। छोटों का जमाना है, ऐसा सेल्फी निकाल रहा है। लेकिन मशर्त ये है, उन लोगों से पहले हम लोग खाना खा लेंगे। हाँ वरना इंतजार किया था हमने पूरा एंड तक। चलो हाँ क्या वो बताओ ना, शादी चलना, चलो यार खाना तो हो ही चुका हम लोगों का, सब टहल लेते मार, सब क्या करें, थोड़ा टहल लेते हैं, जाना जाना तो सही लगेगा। नहीं साथ उनके दोस्त हैं, ये बात है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं रास्ता क्या है कि यार मैं बताऊं, देखो सवा 9 तो हो रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं, फिर 10 बजे तक ही देखो। हाँ सवा 10 से पहले नहीं होगा कुछ, क्यों 10:30 की कहा था, यार ये तो सिचुएशन गलत। अब पता क्या होगा, अरे अब तक रुक गए थे 15 मिनट भी, ये होगा भाला मारना है तो। लेकिन गलत सिचुएशन में फंस गए, क्योंकि दोस्त की बात आ रही है तो भैया रुकना तो पड़ेगा ही, पड़ेगा नहीं माना करा है प्यार तो निभाना पड़ेगा। तो फिर अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं, अब पता नहीं 3-3.5 घंटे यानी एक तो नहीं जाएगा, लेकिन एक तो बज जाएगा, दो बज जाएंगे पहुंचने में। तो गाइस पहुंचने के बाद ही फिर साइन ऑफ की डालूंगा वीडियो, 1 घंटे बाद जाइएगा ठीक है। अभी एक रस्म और रह गई, रस्म पूरी करके जाएंगे। चलो ठीक है, अभी आगे गाड़ी में बैठते हैं, तब सलामी की करते हैं, अभी अभी निकलते हैं फिर आगे। हम लोग लौट के आ चुके हैं अपने घर, सुबह के 3 बज रहे हैं और बहुत ही स्ट्रेस भरा ट्रेवल रहा, बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो अब सोने जा रहा हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत गर्मी नींद आ रही है, बहुत मज़े आ रही है। बाय।